किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी करेगी। सूची जारी करने से पहले बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। कल भी मंथन किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उस बैठक में मौजूद रहे। फिर से 23 सीटों को लेकर मंथन किया गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब बीजेपी की जो दूसरी सूची है, जिसमें कि 23 विधानसभा सीटें अभी पेंडिंग है, जल्द ही सूची जारी की जा सकती है। किसी भी वक्त अब सूची जारी हो सकती है, क्योंकि देखिए कल जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि देर रात को बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है और कहीं ना कहीं जो 23 विधानसभा सीटें बची हैं वो तमाम सीटें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो मंथन हुआ है उसके बाद से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की दूसरी सूची किसी भी वक्त आ सकती है, जल्द जारी हो सकती है। क्योंकि देखिए, मंथन अब आखिरी दौर का मंथन रहा और तमाम सीटों पर मंथन हो चुका है। बाकी जो सीटें हैं, 67 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी उतार चुकी है। अब 23 विधानसभा सीटें बची हैं जिस पर लिस्ट जारी करना फिलहाल बाकी है। तो कभी भी अब बीजेपी की दूसरी सूची जो है जारी हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कि आपको बता दें जो बाकी की पेंडिंग सीटें हैं बीजेपी की, उसको लेकर मंथन किया गया है। अब जल्द ही बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। रवि कालीनमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, देखिए बीजेपी की भी दूसरी सूची जल्द ही जारी हो सकती है, मंथन लगातार जारी है। कल भी देखिए कोर ग्रुप की बैठक हुई, मंथन हुआ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल कोर कमेटी की बैठक हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बैठक हुई। बैठक में जगत प्रकाश नड्डा, जो बीजेपी के चीफ हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, सतीश पुनिया, तमाम हरियाणा से जुड़े हुए नेता मौजूद थे, जिन कोर कमेटी के जो मेंबर हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोर कमेटी की बैठक में तमाम उन सीटों पर लेकर मंथन किया गया, जो पेंडिंग सीट है, जो होल्ड थी, जिन पर मंथन किया जाना था, उन सीटों को लेकर तमाम नाम जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं, तय हो चुके हैं। अब बीजेपी कभी भी अपनी सूची जो है वो जारी कर सकती है। फिलहाल रवि, कोई बैठक बीजेपी की तरफ से आज हो सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी फिर से लिस्ट आने से पहले? बिल्कुल, देखिए सूची के लिए तमाम तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। सूची लगभग बनकर के तैयार हो चुकी है, सिर्फ जारी करने की बात है। बैठकें हो चुकी है, नाम तय हो चुके हैं। तो ऐसे में लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई और बड़ी बैठक जो है वो बुलाई जाए जी। लेकिन इतना जरूर है कि सूची जारी करने से पहले एक दो नेता आपस में मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। देर शाम तक सूची आने की उम्मीद है। सभी बचे हुए 23 सीटों पर सूची भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर सकती है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो जल्द ही जारी हो जाएगी, क्योंकि कल एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक हुई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर यह कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे।